सरपंच आजमाबाद मंजूर हुसैन, मैं ज़िला इंतज़ामिया और गवर्नर इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये कैंप लगाया है आजमाबाद स्कूल में। बिलखसूस तहसीलदार साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस दूर दराज इलाके में ये 3-4 पंचायतें पड़ती थी जहाँ पे कैंप करवाया है, और ये इन गरीब लोग ये दूर दराज इलाकों से चलकर आते थे, दफ्तरों का चक्कर काटना पड़ते थे, तो इस वक्त इनके लिए तहसीलदार साहब ने बहुत बड़ी सहूलियत की है, और इंतज़ामिया ने भी पूरा तामन दिया है, इसका हम बिल्कुल इनके शुक्रगुजार हैं। यहाँ एसटी और पहाड़ी ये साफ टेकें बनाई जा रही हैं, अब स्कूल भी लगने वाले हैं, तो स्कूलों में इन एसटी और पहाड़ी साफ टेकों की अशद ज़रूरत थी, तो इसलिए ये चीज़ इस वक्त ज़रूरत थी इस चीज़ की, और ये तहसीलदार साहब ने और इंतज़ामिया ने जो बिलखसूस डीसी साहब का की भी हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ये इतना प्रोग्राम रखाया, और बिलखसूस तहसीलदार साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा तावन देकर इन गरीब लोगों के लिए सहूलत की है। यहाँ अच्छा खासा रश है, अच्छी खासी साफ टेकें यहाँ से इस वक्त जारी की जा रही हैं, तो मैं तमाम ज़िला इंतज़ामिया और शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि इन्होंने हमारी आवाज़ को हाई सतह तक पहुँचाने में अहम रोल अदा किया है। दूसरी तरफ मैं ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब का और ख़ासकर तहसीलदार साहब मंडी का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि इन्होंने आजमाबाद के मकान पर 3 पंचायतों को क्लब करके, अतौली पंचायत, छेला पंचायत और आजमाबाद पंचायत को क्लब करके यहाँ लोगों को इंसाफ दिया है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट बगैर रिश्वत के लोगों को मिल रही हैं। इन्होंने अपने दफ्तर में कहा है कि किसी आदमी को भी जनाब अली अगर कोई रिश्वत लेता है तो मुझे बताओ, मैं कहता हूँ ऐसे ऑफिसर की अजमत को हम सलाम।